तो ये है जिसमें खाना पकता है, और ये दो तीन कमरे हैं जिसमें कोई नहीं रहता है, यानी कि इसके एक चाचा जी रहते हैं सिंगल बस, और यहाँ भांग के पेड़ लगा रखे हैं। जाट पर अरे जट प्रपात का नाम है इसका, जो जट प्रपात जो दे गया नाम है। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केविन के ब्लॉग्स। दोस्तों ये मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या क्या, और आज की वीडियो काफ़ी भयंकर बनने वाली पहली बता देता हूँ। तो आज से जितनी वीडियोस है मेरी, तो बाहर की ज़्यादा आएंगी और घर की कम आएंगी, यानी कि समझ ही नहीं होंगे आप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए यूके वाला केविन और फेसबुक फॉलो करने के लिए केविन खोलिया। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और वीडियो स्टार्ट करते हैं बाहर का सीन दिखा के। सो गाइस, सभी जा रहा हूँ मैं गांव की तरफ, यानी कि आप जान ही होंगे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, और अभी आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो बने रहिए, और आज से घर की वीडियो कम और बाहर की ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि थोड़ा बहुत अलग दिखेगा। जैसा कि आज तक हमारे चैनल पे होता था, तो उससे थोड़ा बहुत अलग दिखेगा। तो आपको देखते हैं कैसे, नीचे भी देख सकते हो आप छोटी मोटी गाड़ी और काफ़ी सारी हरियाली, और यहाँ गाँव है एक जो कि गंगोरा गाँव है, आप नहीं जानते होंगे। तो एक पुल है जो अभी हम गांव से जा रहे हैं, जहाँ तो वहाँ जाने की पुल। तो यहाँ पे देख सकते हो बकरी अक्रिया भी है, और नीचे पे यहाँ पे गाड़ है, काफ़ी सारी हरियाली, और ऊपर बकरी अक्रिया चला रहे हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे भी रामगंगा है, जो कि अभी पूरी मैली हो रखी है, नहीं तो ये पूरी साफ हुई रहती है। और ये अभी रास्ते पर है, तो ये रास्ता है गाँव का। सही कहा, अभी अंडर द स्काई है यार, हिमाचल के 3-4 लड़के हो, इतना तगड़े वीडियो बनाते हो। एक और है हिमाचल वाला, अभी तो है जाट पर अरे जट प्रपात का नाम है इसका, जो जट प्रपात जो दे गए नाम है। लद्दाख के गए थे ट्रिप में, लद्दाख में ना, अभी ज़्यादातर यूट्यूबर सब लद्दाख ही जा रहे हैं यार। वैसे मतलब जैसे स्टार्ट एक दो में सीन देख रहे हैं ना, ये जो हम ये सीन देख रहे हैं, हाँ हाँ बता, उत्तराखंड में अपने इधर हिमाचल साइड, हमारे यहाँ क्या है, मतलब जो मतलब सीन लद्दाख में दिखते हैं ना, क्योंकि लद्दाख बहुत ही मतलब हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ कोई पेड़ वेड़ नहीं है, तो देखा ही होगा तुम लोगों ने, रोड है उसके बाद सीधे पहाड़ी पहाड़, वो भी वाली पहाड़ी है, नंगे पहाड़ बिल्कुल ना, कोई पेड़ नहीं उनमें। तो वो चीज़ अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना पहाड़ों में, यहाँ भी दिखेगा, बट वहाँ तुम्हारी तुमको पैदल चलना पड़ेगा। सही कहा, वहाँ पे ये नहीं कि तुम बाइक से ही जा रहे हो और बाइक में वहीं पे तुम टेंट लगा दोगे, और यहाँ इस पहाड़ों में इस चीज़ के लिए मतलब ट्रैक करना पड़ता है, कम से कम 70-80 किलोमीटर का ट्रैक, 3-4 दिन का ट्रैक, तब जाके तुम उस हाइट एल्टीट्यूड पे पहुँचोगे, और जो वहाँ से सीन दिखते हैं ना ऑसम है। मतलब बोलने का मतलब है कि पहाड़ों पे तुमको इस टाइप के मतलब सीन देखने के लिए 70-80 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल। तो यार चलना पड़ेगा, पहाड़ों में रोडें थोड़ी होती हैं, वही यहाँ इंडिया में तो हमें हमारी अभी ऐसी ऐसी गांव भी है ना, अभी ऐसी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे ना तो इंटरनेट है ना तो रोड है, वहाँ पे लोग पुराने तरीके से ही जीते हैं मतलब। और एक चीज़ बता दूँ भाई, इंडिया के लास्ट बॉर्डर क्या, लास्ट कौन सा एरिया है, नामिक ग्लेशियर पहुँच के आ चुके हैं। नामिक जो एक विलेज है, मतलब ये आता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुंशियारी के अंदर, ये लास्ट विलेज है नामिक विलेज, तो मैं उस विलेज के बारे में बता रहा हूँ। और भाई यूट्यूब में व्यूअर कर रहे हैं, यानी कि यूट्यूब के लिए भाई ने पहले से ही कंटेंट बना के रख रखे हैं, कंटेंट सारे के सारे, लेकिन भाई का लैपी जो है वही ख़राब रखा है, और भाई ने सब कुछ ले लिया है। और वैसे इससे पहले देहरादून में भाई जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, बताओ यार तुम खुद ही नेटवर्क मार्केटिंग की मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब तुम उसमें तुम ना बताना है। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करा था ना, क्योंकि उसमें ऐसा था मेरे को ट्रैवल ज़्यादा पसंद था, मतलब पहले से। अच्छा, मैंने 1-2 साल वहाँ काम किया, देन थोड़ा लोगों से कैसे बात करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे ना, तो मतलब कैसे मोटिवेट रह सकते हैं लाइफ में, तो भाई लोगों को मोटिवेट मतलब मोटिवेट रखना रहा और प्लस रहना रहना सीखना चाहिए मतलब, क्योंकि यार लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है। सही है, तो उससे डरना नहीं है यार। और भाई की वेबसाइट भी है गूगल में, और भाई ने काफ़ी
क्या अभी हमने कैंपिंग का काम भी स्टार्ट किया है अपना ये मुंशियारी वाली रोड में। हाँ तो एक हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी लोग मुंशियारी साइड को आते हैं तो कैंपिंग के लिए वैसे संपर्क करें, भाई का मैं नंबर दे दूंगा। और भाई का कोई भी प्रॉब्लम आती है मुंशियारी आके तो अगर आप जैसे उत्तराखंड में विजिट करते हो तो आप कहीं भी इस टाइप से प्रॉब्लम हो तो अपनी इंस्टा आई डी बता दो संदीप भाई। मेरी क्या कहते हैं, मेरा वेबसाइट है थर्ड आई कैंपिंग करके, थर्ड आई कैंपिंग तो भाई की वेबसाइट है। हम लोग कैंपिंग वैम्पिंग सारा कुछ करवाते हैं। तो कुछ ये बात है, और अभी हम जंगलों के बीच में देख सकते हो पूरे घने पहाड़ नीचे, हम यहाँ पर भी कैंपिंग करवाते हैं। तो हमारे पास सारा कुछ है, स्लीपिंग बैग एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा भाई के पास। तो फ्रेंड्स अभी हम आ रहे हैं अपने गाँव, और वैसे हम मेन चीज़ आम तोड़ने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ आम काफ़ी मीठे होते हैं, प्लस नेचुरली होते हैं। नेचुरल तो होता ही है, बट यार थोड़ा गांव में आके ना अपना थोड़ा फील आता है, फील लेने के लिए कभी कभी गांव आता तो मैं सही है, पहाड़ों में रह के रह रहे हो तो पहाड़ का फील तो लो। सही है, घर के अंदर रह के थोड़ी ना आएगा, इसलिए तो निकलना पड़ेगा ना घर से बाहर। तो भाई इससे पहले देहरादून रहते थे, तो हम अपने गांव आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हो यह यहाँ पे ये है वीट। वाओ यार जो कि चाचा जी ने लगा रखे हैं, और ये है घर दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो ये है जिसमें खाना पकता है, और ये दो तीन कमरे हैं जिसमें कोई नहीं रहता है, यानी कि इसके एक चाचा जी रहते हैं सिंगल बस। और यहाँ भांग के पेड़ लगा रखे हैं, यानी कि वीट जो कि चाचा जी ने लगा रखे हैं। और ये देखो वीट, तो कुछ ये कमरा है हमारा जहाँ हम आते हैं कभी कभी और रहते हैं भाई। तो आओ कभी, और यहाँ बिल्कुल शांत, बिल्कुल किसी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। बस अगर बाय चांस मैं फ्यूचर में अगर 100K+ सब्सक्राइबर चले जाएंगे तो मैं ऐसी जगह पे अपना एकांतवास बनाऊँगा, यानी कि जहाँ मैं रहूँगा कंप्यूटर लेके, और यहीं से वीडियो शूटूँगी सब। बस नहीं संदीप भाई, तुमने क्या सोच रखा है फ्यूचर में अगर बाय चांस तुम्हारा अच्छा भाई कुछ मिल गया यार अबे, तो लॉगी का मिल चुका है एक एक और हमको एक लॉगी मिल गई है। एक और है, तो ये कुछ जो फल लगे उनको लेने गए हम। पहाड़ों में सब्जियों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। तो हाँ ताऊ जी नमस्ते, अब भी पहुँचा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ देख रहा हूँ तभी वही आम के पेड़ में लौकी। अबे बेल तो पेड़ में ही जाती है। अच्छा अच्छा अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के बगीचे में, यानी कि बगीचा बोला जाए, और देख सकते हो माल्टे ही माल्टे, कितने सारे माल्टे हैं। बना रहे तो अभी सो गाइस पापा हैं भाई, चाउमीन बना रहे हैं, और अभी 9-10 बजने वाले समथिंग, तो देख सकते हो। तो ये बच गए हैं रात के 10, और अभी बनाया जा रहा है रात का खाना, जो कि घी के परोठे, और इसमें लौकी की सब्जी, और ये है मट्ठा, और ये है प्योर घी गांव का। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है, और आज फ्रिज में दिखाऊं तो क्या बचिया है, यही बस कुछ है चाउमिन वाउमिन, और इसमें सुबह के लिए चने वगैरह रखे हैं। और अभी बच गए हैं शाम के 5, और अभी बनाई जा रही है भिंडी की सब्जी जो कि मेरी मनपसंद है, और मार्केट का सीन कुछ ऐसा और है। आज बारिश तो नहीं होने वाली है। हाँ बारिश हो भी सकती, नहीं भी, क्या पता। और यहाँ पे आधी दुकान खुली आधी बंद है, ये एक साइड का बंद है। तो आप हमारी होटल में जब भी आओगे तो आपको ठंडा पानी मुफ्त में मिलेगा, यानी कि ये हमारी तरफ से आपके लिए होगा ठंडा पानी मुफ्त। कुछ ऐसा सीन चल रहा है, चाउमीन बना रही है, चाहे दुकान बंद हो या खुली हो हमारी चाउमीन हमेशा बिकती है, मैंने बता रखा है। बाजार बंद था आज, आतवार हर आतवार में बिक्री होती है वो तो। हाँ और दुकानें बंद रहती है, बट हमारी बाहर के आदमी कहाँ जाते हैं खाने वाले, मेरा बाजार बंद, एक ही होटल खुला हुआ। तो एक आगे पे हमारे मेडिकल स्टोर खुली रहती है, और सब दुकानें बंद। और यहाँ पे मेरी बाइक है, आपको अच्छे से आज बाइक से रोक रोक रहा हूँ। और ये संदीप दाकी गा रहे हैं यहाँ पे।
चीज़ बता दूँ, भिंडी मेरे लिए बन रही है और ये करेला मम्मी और पापा के लिए बन रहा है जो कि मम्मी और पापा का फेवरेट है। और ये है जो कि बचता है दाला, वो इसमें जाता है यानी कि खराब चीज़ें, ये गाय खाती है। देख सकते हो आप वहाँ से काले बादल आ रहे हैं, तो बारिश होने की संभावना है, काले हो गए पूरे बादल।